हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। आज हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट दी गई है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर व्हाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर 5 सेंटीमीटर व्हाइल द बेस डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। इफ कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर। है ना, एक क्या है वुडन टॉय रॉकेट, एक वुडन टॉय रॉकेट यानी लकड़ी का बना हुआ एक रॉकेट है। इज इन द शेप ऑफ, जो कि कैसा शेप में है, इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर उसके ऊपर कोन अटैच है। ठीक, इसमें दिया गया द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, पूरे रॉकेट की जो हाइट है वो कितनी है 26 सेंटीमीटर। व्हाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, जबकि कोनिकल पार्ट की हाइट है 6 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर, जो कोनिकल पोर्शन है उसके बेस का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। व्हाइल द बेस डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल पोर्शन, और जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसके बेस का डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। इफ कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अगर कोनिकल पोर्शन, जो कोनिकल वाला पोर्शन है उसको अगर हमें पेंट करना हो ऑरेंज कलर का, एंड सिलिंड्रिकल पोर्शन, और सिलिंड्रिकल पोर्शन को येलो, येलो कलर से अगर पेंट करना हो, तो कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट, तो आप एरिया निकालिए उस रॉकेट का पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स, यानी दोनों ऑरेंज और येलो वाले दोनों कलर्स का एरिया, कि कितना येलो कलर वाला कितना एरिया पेंट होगा और ऑरेंज कलर वाला कितना एरिया पेंट होगा। ठीक है, तो चलिए डायग्राम पहले बना लेते हैं रॉकेट। जो रॉकेट है वो सिलेंडर और कोन से मिलकर बना हुआ है, सिलेंडर और कोन से, तो ये हो गया सिलिंड्रिकल पोर्शन। ये क्या हो गया सिलिंड्रिकल पोर्शन, इसका बेस बना दे रहे ये। ये हो गया सिलिंड्रिकल पोर्शन। अब इसके ऊपर क्या है, एक कोन सा माउंटेड है, यानी कोन, एक कोन अटैच है। ठीक, ये हो गया एक रॉकेट। ठीक, ये क्या बन गया, एक रॉकेट बन गया। इसमें देखिए इस रॉकेट का ऊपरी पोर्शन जो है वो कैसा है कोनिकल, और नीचे वाला कैसा है सिलिंड्रिकल पोर्शन, है ना। अब इसमें जो जो दिया गया गिवन है जो हम यहां पे लिख ले रहे हैं, सबसे पहले यहां पे क्या दिया गया हमें, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, पूरे रॉकेट की हाइट यहां से यहां तक पूरी, यानी टोटल हाइट, होल हाइट है वो कितनी 26 सेंटीमीटर, यहां लिख ले रहे हैं, इधर लिख ले रहे, यहां से लेके पूरी हाइट जो है वो कितनी है 26 सेंटीमीटर, ये लिख ले रहे हैं। ठीक है, पूरी हाइट कितनी 26 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, कोनिकल पार्ट जो है उसकी हाइट कितनी 6 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट, यानी देखें इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हाइट, यानी कोन की जो हाइट दी गई है कोनिकल पोर्शन की, हम लिख दे रहे हैं वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये हाइट है कितनी कोन वाली कोनिकल पार्ट की 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन है द डायमीटर 5 सेंटीमीटर, जो कोनिकल पोर्शन का जो डायमीटर है, यहां देखिए द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन, ये जो है कोनिकल पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जो बेस है उसका डायमीटर कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर। व्हाइल द बेस डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, और जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर डायमीटर दिया गया। तो ये पोर्शन हम यहां ना दिखा के यहां दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये वाला पोर्शन रहेगा वो अगर अगर हमारे पास रियल में रॉकेट होती वुडन रॉकेट तो कैसा होता, यहाँ का जो बेस होता इसका यहाँ का ये कैसा होता, ये इस तरह का होता, देखिए ये ऐसा और ऐसा ऐसा होता है ना। ये जो है ये किसका है, ये सिलेंडर का बेस या सिलिंड्रिकल पोर्शन का बेस है, और ये जो बड़ा वाला है ये क्या है, ये कोनिकल पोर्शन का बेस है, है ना। तो यहाँ पे आपको दिया गया, देखिए बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन है डायमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये डायमीटर आपको दिया गया, अगर हम बात करें पूरे की यहां दिखा दे रहे बाहर ये डायमीटर आपको जो पूरा डायमीटर दिया गया वो कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर,
और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर वो कितना दिया गया, वो दिया गया 3 सेंटीमीटर, यानी ये दिया गया आपको ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा जो दिया गया यानी इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक की बात करें, ये डायमीटर यानी कोनिकल जो बेस है, कोनिकल पोर्शन का जो बेस है वो डायमीटर दिया गया 5 सेंटीमीटर, और जो सिलेंड्रिकल जो पोर्शन उसका बेस कितना है, उसका डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ पोर्शन यहाँ आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए ये पोर्शन हमने यहाँ दिखा दिया। ये पोर्शन कैसा होगा, इस तरह का होगा, यानी सर्कुलर रिंग की तरह होगा। अब आपको बेस दिया गया है ना, दोनों का बेस देखिए क्लियर है। ये बेस जो है हम लिख दिए, ये वाला जो बेस है देखिए, ये वाला, ये जो बेस ये किसका है, बेस ऑफ कोन हम लिख दे रहे हैं, बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन। और ये छोटा वाला जो है इसको यहां लिख दे, ये वाला जो है ये किसका, ये बेस ऑफ सिलेंडर है, बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, है ना, क्लियर है। ये जो बड़ा वाला, जो बड़ा वाला सर्कल बना है किसका बेस है, बेस ऑफ कोन, और छोटा वाला जो सर्कल है वो किसका बेस है, वो सिलेंडर का बेस ऑफ सिलेंडर। और डायमीटर आपको पता है, ये बड़ा वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर यानी जो कोनिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला सर्कल है यानी कि जो छोटा वाला, ये देखिए सर्कल जो बना हुआ है ये किसका बेस है, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन का बेस है, और इसका डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, कोन का डायमीटर 5 सेंटीमीटर, कोन का डायमीटर पूरे वाले का पूरा डायमीटर, देखिए हमने बाहर दिखाया है यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये बाहर दिखा दूंगे पूरी लेंथ कितनी, पूरा डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर। और छोटा वाला जो सर्कुलर पोर्शन है वो किसका बेस है, वो सिलेंडर का बेस है, उसका आपको डायमीटर कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। ये पोर्शन यहाँ दिखा दे तो उतना क्लियर ना होता, इसलिए यहाँ निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये पोर्शन, ये वाला पार्ट जो है ये किसका है, ये पार्ट आएगा किसका, रॉकेट का, रॉकेट का तो है लेकिन ये पार्ट किसका है, ये वाला शेडेड, ये कोनिकल पोर्शन का। अब इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम रिंग बोल सकते हैं, सर्कुलर रिंग ना। अब यहाँ पे रॉकेट होती है तो ये पार्ट जो होता है किसका, ये वाला जो है, ये वाला छोटा वाला सर्कल है, ये तो सिलेंड्रिकल पोर्शन इसमें ऐड रहेगा, बाकी जो आपका ये कोन रहेगा, जो कोन का जो कोनिकल पार्ट होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा, है ना। तो इसका एरिया भी लेंगे, अभी बताते हैं उसको, पहले लिख ले रहे हैं जो जो दिया गया है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिलेंडर का, सिलेंडर में जो जो दिया गया हम लिख ले रहे पूरा। अब यहाँ पे हमें टोटल हाइट हमने लिख ली 26। अब यहाँ पे एक चीज ये देखिए, टोटल हाइट कितनी दी गई थी पूरे रॉकेट की 26 सेंटीमीटर, कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल पोर्शन यानी यहां से लेके यहां तक, देखिए सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात करें तो यहां से लेके पूरी यहां तक सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट हो जाएगी कितनी, पूरी 26, कोण की 6, तो 26 - 6 कितनी हो जाएगी 20, ये हो जाएगी सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए हम लिख ले रहे पहले सिलेंडर का जो जो दिया गया हम लिख ले रहे उसको, क्या क्या दिया गया, हाइट ऑफ सिलेंडर यहां लिख ले रहे, जो जो गिवन, हाइट ऑफ सिलेंडर एच से दिखा दे रहे इसको, हाइट ऑफ सिलेंडर को एच कितनी है 20 सेंटीमीटर, है ना 20, पूरी 26 थी और कोण की कितनी 6 थी, तो माइनस कर लिया पूरे में से, इतना माइनस करेंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर आनी जाएगी 20 सेंटीमीटर। उसके बाद यहां पे हम रेडियस लिख ले रहे हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर इसको हम दिखा दे रहे हैं स्मॉल आर से। अब यहां पे देखिए सिलेंडर की बात हो रही है, तो सिलेंडर का जो सिलेंड्रिकल पोर्शन था उसका बेस कितना था, ये वाला बेस है, उसका बेस कितना है, कौन सा है, ये वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन का बेस कौन सा है, ये छोटा वाला। और डायमीटर कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो बेस है उसका डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ आधा, डायमीटर का हाफ 3/2 हो जाएगा, 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ना, ये लिख देंगे। और क्या दिया गया है, चलिए तो सिलेंडर वाला हो गया ना, अब हम कोन का बेस ले रहे हैं, क्या लिख, किसका लिख लें, कोन का लिख ले रहे हैं, चलिए तो कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इसको हम कैपिटल एच से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, हाइट ऑफ कोन कितनी है 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन है 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन रेडियस ऑफ कोन इसको हम कैपिटल आर दिखा दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे कोनिकल जो पोर्शन था उसका बेस कौन सा, ये बड़ा वाला सर्कल, ये पूरा क्या है, ये कोनिकल पोर्शन का बेस है, तो इसका डायमीटर कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालेंगे कोनिकल पार्ट का या कोन का तो कितना, डायमीटर अपॉन 2, रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए अब ये हो गया, अब हमें यहां आगे कह रहा है
इफ कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, है ना, कोनिकल पोर्शन यानी कोन वाले पार्ट को अगर ऑरेंज कलर से पेंट करें तो उसका एरिया क्या आएगा। चलिए इसको निकालते हैं, पहले हम किससे शुरुआत करें, कोन से कर ले, चलिए कोन से कर ले, यहां लिख ले रहे एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज किसका यहां पे दिया गया, कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, यानी यहां पे लिखा है एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज कलर से जो एरिया पेंट होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो ऑरेंज कलर से कौन सा पेंट होना है, कोनिकल पोर्शन, कोन वाला, तो कोन वाले की बात करेंगे, तो जब कोन वाला पार्ट जब आपका यहाँ पे हम क्या करेंगे पेंट करेंगे तो देखिए कौन कौन सा एरिया लिया जाएगा, कोनिकल पोर्शन रॉकेट में कोनिकल पोर्शन ऑरेंज कलर से, सबसे पहले तो ये रॉकेट का जो ये कोनिकल पोर्शन इसका हम क्या लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, सी एस ए लेंगे, क्यों, क्योंकि बेस क्या है, ये जो बेस है इसका, पहले ये बात करें ये वाला बेस क्या है, ये तो क्या है सिलेंडर के साथ ज्वाइंट है अटैच है, वो तो हमें दिखेगा नहीं, वो सरफेस दिख नहीं रहा तो उसको हम लेंगे नहीं, ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले सीधा सीधा तो क्या सी एस ए ले लेंगे कोन का, तो हम लिख ले रहे हैं कहां लिख दे इधर ही लिख दे रहे, यहां हम लिख दे रहे सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन ये एरिया लिया जाएगा सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है, और क्या लेंगे हमको ये तो लेना नहीं, क्योंकि ये वाला अगर इसको हम इसको उठा के रखेंगे तो क्या होगा, ये तो अटैच है सिलेंडर के साथ ना, लेकिन ये पोर्शन बचेगा रॉकेट का जो है जो कोनिकल पोर्शन है उसका ये हिस्सा भी बचेगा, यानी इसको भी पेंट करना पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, हम लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग या एरिया ऑफ रिंग भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग है ना, इसको क्या बोलेंगे एरिया ऑफ रिंग, देखिए इस पे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर है, कोन की बात करें तो पाई कोन, कोन का रेडियस हमने किससे दिखाया कैपिटल आर से, तो हम पाई आर एल, चलिए पाई आर एल हो गया, प्लस इसका सर्कुलर रिंग का या रिंग का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर होता है ना, पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर एरिया, बोलिए ये होता है ना। चलिए अब उसके बाद हम क्या लिए? हमें एल की जरूरत पड़ेगी स्लैंट हाइट, इसको निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट, यही निकाल लेना बगल में, फॉर स्लैंट हाइट यानी स्मॉल एल, फॉर स्लैंट हाइट, फॉर स्लैंट हाइट, तो फॉर्मूला क्या होता है स्लैंट हाइट का, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, कोण की बात हो स्लैंट हाइट इसमें होती कोण में होती, तो कोण का रेडियस लेंगे कोण की हाइट लेंगे, कोण का हाइट कितनी है सिक्स, सिक्स का स्क्वायर, कोण का रेडियस कितना है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर है ना। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स का स्क्वायर 36, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 6.25, कितना आ जाएगा 6.25, कितना आएगा 6.25, हाँ, और इसके बाद दोनों प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 42.25, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 42.25, अब यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी, स्मॉल एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5 आ जाएगी, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा है 6.5 सेंटीमीटर है ना, ये आ गई आपकी स्लैंट हाइट, कितनी आ गई स्लैंट हाइट। चलिए अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो ये आएगा 6.5, क्योंकि 6.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करा के दिखाएं यही आएगा आपको, ये देखिए 42.25 कितना है 42.25, आप इसको डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपको निकालना आता है तो क्या आएगा 6.5 आएगा, कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर। चलिए अब यहां पे हम रख दे रहे हैं पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू है 22/7, अगर डेसिमल में रखना चाहे तो 3.14 रख देंगे, उसके बाद कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर देखिए रेडियस कितना है 2.5, ये है 2.5 और ये आया 6.5 स्मॉल एल है ना स्लैंट हाइट, उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे प्लस 22/7, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, आर कितना है 2.5 माइनस स्मॉल आर कितना है 1.5 का स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 22 इंटू 2.5 इंटू 6.5, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा 357.5,
357.5/7 है ना, मल्टीप्लाई कराएंगे तो। और यहाँ कैसे आएगा, यहाँ देखिए लिख देना इसको 22/7। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में रहेगा ए माइनस बी, यानी 2.5 - 1.5 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख दिए। चलिए अब इसको तो हम ये वैसे लिखा रहने दे रहे, 357.5/7 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 22/7 इंटू 2.5 + 1.5 आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2.5 - 1.5 आ जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पे इसको देखिए धर्म कर लेने दिखेगा नहीं, ये आ जाएगा हमारा कितना है, ये तो भाई 357.5/7 है ना, इधर आ जाएगा 88/7 है ना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 357.5 + 88/7 ये तो आएगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा 445.5 ये तो आएगा बस करने में, अप्रॉक्स शायद यही आएगा अगर अप्रॉक्स करें तो। देखिए कर ले रहे हैं, ये दिया गया कितना 357. कितना है 5, ये 357.5 ये 88 है, यही आएगा अप्रॉक्स के यही आएगा ही पूरा पूरा। हम केवल आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद दो डिजिट तक लेंगे बस, अगर डिवाइड करेंगे, हमने डिवाइड किया था तो अप्रोक्स आया था इसका 63.64 आया था, 63.64 क्योंकि ये एरिया है तो इसका आएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने खाली 64 तक लिया और आगे भी आ रहा था 6425 ऐसे करके आ रहा था, तो हमने कितना लिया केवल टू डिजिट तक लिया, ठीक है 63.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये आ गया, तो ये आपने एरिया किसका निकाला, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज कलर, यानी ऑरेंज कलर से जो एरिया पेंट होना उसका, देखिए एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज ये आएगा आपको है ना, यानी सीए से लेना पड़ेगा आपको किसका कोन का, और एरिया ऑफ रिंग लेना पड़ेगा, यानी ये पोर्शन इसका एरिया, इतने पोर्शन पे ऑरेंज कलर से पेंट होना है, इतना क्लियर हो गया ना। चलिए इसको करिए, इसके बाद हम सिलेंडर वाला उसका येलो कलर का बताएं आपको। चलिए क्लियर दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर है, नीचे तक दिख रहा है, ठीक है इसको कर लीजिए। इसके बाद हम लेते हैं एरिया टू बी पेंटेड येलो, एरिया टू बी पेंटेड येलो, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, इतना हो गया ना, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक पूरा बिल्कुल क्लियर है, इसको मिटा दे। चलिए ये हो गया, चलिए हम निकालते हैं एरिया टू बी पेंटेड येलो, चलिए एरिया टू बी पेंटेड येलो। अब जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये, इसको किससे येलो कलर से पेंट करना, तो इसमें क्या लेंगे, अब यहां पे पहले ही बताया हमने ये सिलेंडर वाला जो बेस है और जो कोन का जो बेस था वो कैसा था, अटैच था है ना, बाकी जो रिंग बाहर थी उसको पेंट करना था तो उसका एरिया हमने ले लिया। अब हम केवल सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर में क्या पेंट होगा, पहली बात तो ये जो कर्व्ड एरिया है, ये जो कर्व्ड है इस पे पेंट होना है, तो आपको लेना पड़ेगा सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर लेंगे, और क्या लेंगे, ये वाला तो अटैच है उसी में, लेकिन ये एक दो पोर्शन, दो सर्कुलर पोर्शन होते सिलेंडर में, ये वाला तो अटैच है तो लिया नहीं जाएगा, ये दिखेगा नहीं आपको, लेकिन ये वाला तो दिख रहा है नीचे वाला, यानी बॉटम वाला जो बेस है इसका एरिया लिया जाए, यहां पे लिख देंगे एरिया ऑफ बॉटम बेस,
एरिया ऑफ बॉटम बेस ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर का जो बॉटम वाला बेस है इसका एरिया लेंगे, है ना। सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर इसका भी एरिया लेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख ले रहे हैं इक्वल का साइन लगा के। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, और एरिया ऑफ बॉटम बेस ये सर्कुलर है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो चलिए ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर कितना था, स्मॉल आर ये था 1.5 इंटू एच कितना था 20, सिलेंडर का ले रहे हैं ना, यहाँ पे आएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 1.5 इंटू 1.5। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 × यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे 2 × 22 × 1.5 × 20 पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 1320 upon 7 प्लस, अब यहाँ पे 22 × 1.5 × 1.5 इसको कराएंगे मल्टीप्लाई तो आपका आएगा 49.5 upon 7। ठीक है, अब यहाँ दोनों में अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारा आ जाएगा ये 1320 प्लस 49.5 upon 7। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे आ जाएगा 1369.5 upon 7। ये तो आएगा, इसको हमने किया था, आप करेंगे आपका भी इतना ही आएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें 7 से, इसको हम क्या करें, अगर डिवाइड कर दें हम 7 से तो आएगा 195.64 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ऑरेंज कलर से जो एरिया पेंट होगा वो भी हमने निकाल दिया, और जो येलो कलर से जो एरिया पेंट होना है उसको भी निकाल दिया, ये पूछ रहा था अलग अलग। ठीक है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट तक लिया, अब अगर डिवाइड करेंगे तो जाएगा तो कई डिजिट तक, लेकिन आपको 2 डिजिट तक लेना है, 2 तक या 1 तक। ठीक है, बस समझ में आ गया होगा, करिए इसको।